Hello guys and welcome back to the yet another video. Champions League finals are here guys and we are taking Borussia Dortmund, one of the biggest game of the world में कह सकते हो और the biggest game in Europe आप कह सकते हो. तो आज जरा हम फाइनल को लेके डिस्कस करेंगे कि दोनों टीम की क्या लाइनअप्स हो सकती है और क्या प्रेडिक्शन है मेरी इस गेम को लेके. बट फर्स्ट इफ यू आर न्यू इन द चैनल मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. सबसे पहले अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड यहाँ पे मैन सिटी को पेनल्टीज में हरा के उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. और अगर आप यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने पीएसजी को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. अब यहाँ पे ऑल द डिस्कशन यहाँ पे यही आ जाती है कि क्या बोरुसिया डॉर्टमुंड का रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कोई चांस है, क्योंकि अगर आप पिछले 8 फाइनल्स उठा के देख लो तो उसमें रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है. तो इस वजह से ही लोग जो है वो रियल मैड्रिड को इस वक्त फेवरेट रख रहे हैं और बोरुसिया डॉर्टमुंड को बिल्कुल ही रूल आउट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने ये चीज़ अपने पहले पिछली वीडियो में भी कही थी, मैंने स्क्रीन में भी ये बात कही है कि फाइनल में अगर कोई टीम आ रही है तो इसका मकसद है कि वो टीम कुछ उखाड़ के आ रही है, वो भी पीछे पीएसजी को हरा के आया है. और अगर आप देखें फाइनल के तो फाइनल में आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है. अब जैसे कि अगर आप अटलांटा लेवरकुजन वाले गेम की बात करें तो हम सब ने रूल आउट कर दिया था अटलांटा को. उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि अटलांटा को आप रूल आउट ना करें, आप गैस्परिनी को रूल आउट ना करें, जिस तरह के वो सीनियर मैनेजर है आप कुछ भी नहीं कह सकते. और वो चीज़ अटलांटा ने कर दिखाई. ऑल दो की फेवरेट वहाँ पे लेवरकुजन ही थी. और अगर आप यहाँ की बात करें तो ऑल दो रियल मैड्रिड फेवरेट है, लेकिन फाइनल है, एक गेम है और एक गेम में कुछ भी हो सकता है. सो वी नेवर रूल आउट बोरुसिया डॉर्टमुंड इन माई ओपिनियन. तो अगर आप यहाँ पे एटमोसफेयर की बात करें तो एटमोसफेयर इज गोइंग टू बी क्रेजी अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड. और बोरुसिया डॉर्टमुंड के फैंस का तो आपको पता है कि उनका एटमोसफेयर हमेशा क्रेजी रहता है अप्स एंड डाउन्स में. जिस तरह उनके फैंस ने उन्होंने सपोर्ट किया और जिस तरीके से अगर आप पिछले सीजन की बात करें जब वो बुंडेसलीगा टाइटल हारे थे तो जिस तरीके से उन्होंने उसके बावजूद भी अपनी टीम को सपोर्ट किया था, तो उनका एटमोसफेयर हम सबको पता है कि क्रेजी रहता है. बट यहाँ पे सवाल ये बनता है कि लाइनअप्स क्या होनी चाहिए दोनों टीम्स की. सबसे पहले अगर मैं रियल मैड्रिड की लाइनअप की बात करूँ तो रियल मैड्रिड के लाइनअप में मुझे लगता है कि अगर आप गोलकीपर से स्टार्ट करें, गोलकीपर में मुझे लगता है कि थीबो विल स्टार्ट ओवर नोलन. क्योंकि अगर आप देखें पिछले दिनों में 3 दिनों से आई थिंक नोलन जो है वो ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं, कोई उनको फीवर वगैरह है जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं, तो वो फाइनल नहीं स्टार्ट कर रहे अहेड ऑफ थीबो कोर्तवा. अगर वो फिट होते तो आई वुड हैव प्रेफर्ड नोलन ओवर थीबो कोर्तवा. मैंने हमेशा से कहा है अगर वो फिट होते तो मैं उनको 100% प्रेफर करता. मुझे लगता है कि जो उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न किया वो एटलीस्ट डिजर्व करते हैं फाइनल खेलना. जो भी रिजल्ट होता है इट डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव किया, उन्होंने ये डिजर्व किया, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई. जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट द सीज़न गोल कीपिंग की, इट वॉज अनबिलीवेबल. तो अनफॉर्चुनेटली वो फिट नहीं है, लेकिन अगर वो फिट होते तो वो मेरी पिक होते एहेड ऑफ थीबो कोर्तवा. मैं उनको स्टार्ट करवाता, डजेंट मैटर विद द रिजल्ट. मुझे लगता है अगर आप रियल मैड्रिड के लाइनअप की बात करें कि कौन कौन स्टार्ट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट जो हमारी टीम खेली थी, मुझे लगता है प्रीटी मच वही टीम है जो कि चैंपियंस लीग के फाइनल में स्टार्ट करेगी. अब यहाँ पे अगर आप गोलकीपर से स्टार्ट करें तो आई थिंक थीबो कोर्तवा स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस लुलन जो है वो 100% नहीं है तो कोर्तवा इज गोइंग टू स्टार्ट. और अगर आप यहाँ पे राइट बैक की बात करें तो राइट बैक पे डेनी कारवाल स्टार्ट कर रहे हैं, डिफेंस में रूडिगर स्टार्ट करेंगे अलोंग साइड नाचो. और अगर आप लेफ्ट बैक की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं आपके फर्नान्डो मेंडी. अगर आप यहाँ पे अपने मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में आपको कमाविंगा स्टेडियम पोजिशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुआमेनी जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं गेम से. तो इस वजह से कमाविंगा एज अ CDM आपके स्टार्ट करेंगे फाइनल्स में. और उनके साथ होंगे टोनी क्रूस और फेडे वेलवर्डे. जूट बेलिंगम का आपको पता है कि उनको फ्री रोल दिया जाता है और वो नंबर 10 की रोल में एक एज अ सेकेंड स्ट्राइकर खेलते हैं, तो उनको वही रोल मिलेगा. और जो आपके अटैकर्स होंगे ऑन टॉप वो होंगे विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो. मेरे ख्याल से यही लाइनअप है जो कि बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट रियल मैड्रिड की लाइनअप होगी. अब यहाँ पे अगर आप बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें कि बोरुसिया डॉर्टमुंड की क्या लाइनअप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड की जो लाइनअप होगी उनके जो गोलकीपर्स में अगर आप देखें तो पोबेन जो है वो स्टार्ट करेंगे अलोंग साइड मेडसन. उनके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट बैक होंगे. और अगर आप यहाँ पे बात करें सोतलबर्न जो होंगे वो उनके डिफेंडर होंगे और उनके साथ ओमन स्टार्ट करेंगे. रायसन जो होंगे वो उनके राइट बैक पोजीशन पे खेलेंगे. और अगर आप डबल पिवट की बात करें तो डबल पिवट पे श्वेन स्टाइगर और एमरी चैन ये दोनों स्टार्ट करेंगे.
अब यहाँ पे अगर आप बात करें कि जो जॉन ब्रंट जो है वो नंबर 10 के रोल में उनको खिलाया जाएगा, और अगर आप यहाँ पे करीम अडीबी की बात करें तो मुझे लगता है करीम अडीबी जो है वो लेफ्ट साइड पे खेलेंगे, और अगर राइट साइड की बात करें तो जेडन सैंचो राइट साइड पे खेलेंगे। सिमिलरली लाइनअप मुझे दिख रही है बोरुसिया डॉर्टमुंड की, जो लाइनअप उनकी थी पीएसजी के अगेंस्ट, और फुल क्रुक जो उनके होंगे वो उनके लोनली स्ट्राइकर होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करीम अडीबी। अब करीम अडीमी का अगर आप लोगों ने देखा हो, करीम अडीमी के पास स्पेस भी है, करीम अडीमी के पास सब कुछ है। अगर करीम अडीमी का आपने वर्क रेट देखा हो पीएसजी के अगेंस्ट, तो पीएसजी के अगेंस्ट जिस तरीके से वो आगे जा रहे थे उस तरीके से वो पीछे भी आ रहे थे। आपने देखा होगा कि वो मैटसन को किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे थे जब बॉल जो थी वो पीएसजी के पास थी। तो आई थिंक उनका वर्क रेट जो की होगा और वो जो है अपने मैटसन को काफ़ी ज़्यादा आके हेल्प आउट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फेडे वेनवर्डे मुझे लगता है कि काफ़ी उनका क्रूशियल रोल होगा। या तो आप फेडे वेनवर्डे को उस पोजीशन पे लगा सकते हो जब मैटसन पीछे आए अपने डिफेंस को जो हेल्प आउट करने के लिए, या फिर आप जूड बेलिंगम को आप उस पोजीशन पे लेके जा सकते हो सिंस जूड बेलिंगम एज अ फ्री रोल। आई थिंक अगर आप यहाँ पे आप बात करें तो करीम अडीबी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनके वर्क रेट की वजह से। अब यहाँ पे अगर आप बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के जो इस वक्त मैनेजर है उन्होंने एक चीज़ बोरुसिया डॉर्टमुंड के प्लेयर्स ने बहुत अच्छी कर दी है कि उनके आने से पहले बोरुसिया डॉर्टमुंड का जो डिफेंस था वो खुल जाते थे। लेकिन अगर आपने डिफरेंस नोटिस किया हो कि वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहते हैं, काफ़ी जो है ना स्ट्रक्चर में रहते हैं और बिला शुबा स्पेसिस नहीं देते, उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी है। एंड उन्होंने अपने प्लेयर्स को ये सिखा दिया है कि आप सफ़र करें, आप बड़वागिरी करें फाइनल में तभी जबकि आपको रिजल्ट मिलेंगे। जबकि आपने देखा होगा बोरुसिया डॉर्टमुंड का डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, अगर आप पिछले गेम्स की बात करें के एसपीएसजी, अगर आप थ्रू आउट द सीज़न बात करें तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस सीज़न रिजल्ट भी निकाले हैं, वो इस सीज़न बायर्न म्यूनिख से भी जीते हैं। तो उनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड में भी कार्लो एंजेलोटी ने थ्रू आउट द सीजन बहुत ही अच्छा काम किया, ही हैज़ बीन रिमार्केबल। अगर आप जूड बेलिंगम की बात करें कि जूड बेलिंगम को जिस तरीके से वो टीम में लेके आए, जिस तरीके से जूड बेलिंगम को उन्होंने सेटल डाउन किया, आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जूड बेलिंगम इतने ज़्यादा गोल स्कोर करेंगे, और हमारे जो एक स्ट्राइकर करीम बेंजेमा के जाने के बाद हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इस तरीके की फुटबॉल खेलेंगे या हम करीम बेंजेमा को बैडली मिस करेंगे। आई थिंक क्रेडिट जाता है यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी को, क्रेडिट जाता है सब प्लेयर्स को जिस तरीके से हमने स्टेप अप किया इतनी इंजरीज होने के बावजूद। मिलिटाओ को आपकी इंजरी हुई, आपके डेविड अलाबा को इंजरी हुई, दोनों को एसीएल की इंजरीज हुई, उसके साथ साथ फंडन मेंडी इन एंड आउट होते रहे। आई थिंक यहाँ पे रूडीगर को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से उसने डिफेंस को संभाला है, डिफेंस में वो एक एज अ लीडर उन्होंने उभरे हैं। अगर आप थ्रू आउट द सीजन बात करें यूलन की, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका बहुत अहम रोल रहा है इस चीज़ में। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है हर प्लेयर को, ये किसी इंडिविजुअल प्लेयर की ब्रिलियंस पे नहीं है कि आप चैंपियन लीग का फाइनल खेल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एज अ टीम वर्क हम चैंपियन लीग के फाइनल में पहुँचे। और अगर आप बात करें यहाँ पे तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड फेवरेट है, लेकिन कुछ भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। अगर फाइनल में कोई टीम स्कोर कर जाती है तो ऑब्वियसली फिर स्कोर करना इतना इजी नहीं होता। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि लेट्स होप वी गेट इट डन फॉर टोनी क्रूज, बिकॉज उनका ये आखिरी टूर्नामेंट है रियल मैड्रिड के साथ, उसके बाद वो रियल मैड्रिड के प्लेयर नहीं होंगे। उन्होंने अपना लास्ट गेम खेला था सेंटियागो बर्नाब्यू में, और उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी इट वॉज अनबिलीवेबल, थोड़ी डिजर्व करते हैं टोनी क्रूज। मुझे लगता है कि टोनी क्रूज टाइप के प्लेयर्स आपको कम ही देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक हमें टोनी क्रूज के लिए करना चाहिए, हमें रियल मैड्रिड के लिए करना चाहिए, एंड लेट्स गेट इट डन, और लेट्स होप कि हम यहाँ से रिजल्ट निकाल लें और हम अपना 15th UCL टाइटल जीत सकें। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों चीज़ों पर, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन फाइनल जीत रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फाइनल के बाद होपफुली एक व्लॉग के साथ। So stay tuned, until next time, peace.